हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नरेशन का जो दूसरा खंड है, जिसमें हम आपको कॉमन रूल्स के बारे में समझाएंगे कि कॉमन रूल्स का प्रयोग किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेज में लगता है। तो आइए देखते हैं कॉमन रूल्स क्या है। तो जैसा कि ये जो आपका कॉमन रूल्स है, तो कॉमन रूल्स सबसे पहले ये समझना है कि यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का है। जैसे नंबर एक पर्सनल चेंजिंग, नंबर दो वर्ड्स चेंजिंग, नंबर तीन टेंस चेंजिंग। तीन तरह के, यानी कि पर्सनल चेंजिंग जिसको आप कर्ता परिवर्तन कहेंगे, वर्ड्स चेंजिंग जिसको आप शब्द परिवर्तन कहेंगे, टेंस चेंजिंग जिसे आप समय या काल परिवर्तन कहेंगे। तो इस तरीके से ये तीन तरह के जो रूल्स आते हैं, टेंस चेंजिंग, वर्ड्स चेंजिंग और आपका पर्सनल चेंजिंग, ये जो है कॉमन रूल्स होते हैं। तो अब बात ये है कि ये जो कॉमन रूल्स हैं, तीनों रूल्स हैं, ये सभी रूल्स जैसा कि यहाँ देखिए दिया हुआ है सेंटेंसेज, जैसे असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, फिर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो ये जो पांच तरह के सेंटेंसेस सामने आ रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेज में ये जो आपका कॉमन रूल्स है, यानी कि पर्सनल चेंजिंग, वर्ड्स चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, ये सब तीनों ही रूल्स इन सभी प्रकार के सेंटेंसेज में जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लगेगा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसीलिए मैंने आपको इसमें से दो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, ये दो उदाहरण मैंने लिया है, जो कि एक उदाहरण आपका यहाँ असर्टिव सेंटेंस से है और दूसरा उदाहरण आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से है, जिसमें मैं आपको यह प्रूव कर दूंगा, बता दूंगा कि असर्टिव सेंटेंस में भी ये तीनों नियम लग रहे हैं, इंट्रोगेटिव में भी ये तीनों नियम लग रहे हैं और आने वाले जो भी ये सेंटेंसेज हैं, इसका मतलब है कि सब में वो लगेंगे। तो यहाँ एक तरह से आपको कॉमन रूल का परिचय कराना और किस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेज में इसके यूज किए गए हैं, यही मेरा इस वीडियो में बताने का लक्ष्य है। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखिए पहला उदाहरण है, इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है ही सेड आई एम रीडिंग दिस बुक। तो देखिए एक बात यह भी समझना है कि जो ये कॉमन रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए आप दो नियम यूज करते हैं नरेशन बनाते समय, पहला आपका कॉमन रूल्स है, कॉमन रूल्स पहला है, और दूसरा जो नियम है जिसको आप कहेंगे स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो तरह के ही नियम लगते हैं, इन्हीं दो नियमों के द्वारा पूरा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जा सकता है। तो ये जो दो रूल्स हैं, तो जिसमें से हम आपको पहले जो पहले नंबर का कॉमन रूल्स है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि जो कॉमन रूल्स हैं अथवा जो आपका स्पेशल रूल्स हैं, ये सारे रूल्स लगते कहाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां तक कॉमन रूल्स का सवाल है, ये कहाँ यूज होता है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है आरबी और दूसरे का नाम है आरएस। और आप जानते हैं कि आरएस का मतलब है जो इन्वर्टेड कामा वाले वाक्य होते हैं, इसी को आरएस कहा जाता है। तो जो आरबी और आरएस है, तो अब ये जो तीन परिवर्तन है, ये तीन परिवर्तन होते कहाँ हैं, वास्तव में ये तीन परिवर्तन आपका आरएस में होता है, यानी कि नंबर दो वाला जो वाक्य है, यानी कि यह जो वाक्य है, मान लीजिए नंबर एक है, अगर हम इसको मान लें कि ये जो आ रहा है ये नंबर एक वाक्य है, नंबर वन है, और अगर हम इसको माने ये नंबर दो, जिसको आप कह सकते हैं नंबर दो, तो ये आरएस हो गया। तो यानी इसी नंबर दो वाले वाक्य में तीन परिवर्तन होंगे, यही चीज हमको समझाना था, यानी कि इस आरएस में तीन परिवर्तन होंगे। अब कौन कौन सा, पहले देखिए नंबर एक पर्सनल चेंजिंग है, तो पर्सनल चेंजिंग में तीन पर्सन होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। तो अगर हम इस वाक्य को देखें, तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर्सन आ रहा है आई, और
इसमें जो आई आ रहा है कौन सा पर्सन है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई अथवा वी आते हैं, दो लोग आते हैं, इनमें से आई अथवा वी में से कोई कोई रहेगा, ये फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड में आपका यू होता है, थर्ड में आपका ही आता है और सी आता है, फिर इट आता है, दे आता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मतलब और भी लोग हैं, तो इस तरीके से पर्सन होते हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि पर्सनल चेंजिंग में पहला फर्स्ट पर्सन यहाँ आई आया हुआ है, तो आई बदलेगा, आई बदलेगा। दूसरी बात, तो ये आपका एक परिवर्तन हो गया। नंबर दो देखिए, वर्ड चेंजिंग। अब इसी वाक्य में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका नंबर दो, ये जो दिस आया है, ये आपका शब्द परिवर्तन, वर्ड चेंजिंग माने शब्द परिवर्तन, तो ये भी आपका बदलेगा। और तीसरा कह रहा टेंस परिवर्तन, तो टेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ आई एम रीडिंग आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यह भी आपका बदलेगा। अब देखिए कैसे, ही सेड का ही सेड यहाँ लिख दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसे जब जोड़ रहे हैं कंजंक्शन दैट लगा रहे हैं। अब ये दैट क्यों लग रहा है, ये आगे चल करके आपको हम डिटेल समझाएंगे जब आप स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे। यहाँ हमको केवल ये देखना क्या क्या बदल रहा है। तो यहाँ देखिए, जहाँ आई था वहां पर आपका ही आ गया, और जहां दिस था वहां देखिए दैट आ गया, और जहां आई एम रीडिंग है ये देखिए टेंस भी बदल गया, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था ये पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से आपका तीन परिवर्तन हुआ, यानी कि पहला परिवर्तन क्या हुआ, पहला परिवर्तन पर्सनल चेंजिंग हुआ, दूसरा शब्द परिवर्तन हुआ, तीसरा आपका टेंस भी बदला। अब यही बात दूसरे उदाहरण में भी है। अब आइए, अब एक चीज और देखना है कि यहाँ जो पहला उदाहरण था ये कैसा वाक्य है। तो अगर हम इस वाक्य को देखें तो ये आपका असर्टिव है, यानी कि ये पहला वाक्य है। अब आइए दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में देखिए, क्या इंट्रोगेटिव में भी यही तीन नियम लागू होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए ही सेड टू मी लिखा है, इसके बाद डिड यू और लाइक दिस गेम। तो डिड यू लाइक दिस गेम, यह एक ऐसा वाक्य है जिसको आप इंट्रोगेटिव कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साइन है, क्वेश्चन साइन आया है, और ये डिड से शुरू है, अगर किसी सहायक क्रिया से वाक्य शुरू है, अंत में क्वेश्चन साइन है, तो निश्चित बात है प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें भी हमें देखना है यही तीन परिवर्तन लागू होंगे। पर्सनल चेंजिंग में जब आएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यू आया है, अब यू अगर देखें तो ये सेकंड पर्सन है, तो ये बदलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ दिस देखिए यहाँ पर भी आ गया है, जैसे दिस का दैट यहाँ हुआ तो दिस यहाँ भी आया, तो यह भी आपका बदलेगा, दूसरा परिवर्तन। अब तीसरा देखिए, डिड यू लाइक, ये जो है आपका सॉरी, यहाँ एक चीज और समझना है कि इसमें आएंगे एग्जाम्पल में तो हम आपको समझाएंगे ये जो आंसर है। पहले यहाँ देखिए, अब डिड यू लाइक लिखा है तो ये पास्ट इनडिफिनिट है, क्योंकि डिड आया है और यहाँ जो है आपका क्या है, लाइक है। तो जब ये लाइक है तो जहां सहायक क्रिया डिड आए हो, फर्स्ट फॉर्म आया, पास्ट इनडिफिनिट है, तो ये आपका टेंस भी बदलेगा। और कैसे बदलेगा, या यहाँ एक चीज और कर देते हैं, यहाँ डिड के बजाय हम डू लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ देखिए डू, ये गलती से छप गया है। अब देखिए डू यू लाइक, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ये टेंस आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट है। तो अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो इसको पास्ट के इनडेफिनेट में हम बदलते हैं, नियम यह है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि सेड टू को बदल दिया गया आस्क्ड में, ये आस्क्ड में हो गया। कंजंक्शन यहाँ आपका इफ लगाया गया, यहाँ दैट लगाया गया था, यहाँ इफ लगाया गया। दैट जो है किसी असर्टिव सेंटेंस के आने पर लगाया गया, इफ का प्रयोग आपका इंट्रोगेटिव के आने पर लगाया गया। अब देखिए जो यू है, यह यू सेकंड पर्सन, इससे मिलता है, नियम है, आगे बताया जाएगा। तो मी के अनुसार यहाँ देखिए आई हो गया। अब जहाँ डू लाइक प्रेजेंट इनडेफिनिट है, जिसको पास्ट के इनडेफिनिट जब बदलेंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा। देखिए टेंस भी बदला, और यहाँ दिस जो आया था दिस का दैट हो गया। तो तीन परिवर्तन यहाँ पर भी हुआ। देखिए पहला आई, पहला जो परिवर्तन हुआ आपका, यहाँ देखिए पहला परिवर्तन इसमें यू का, यानी कि सेकंड का, यानी पर्सन का होना था, और दूसरा परिवर्तन आपका ये होना था, तीसरा आपका डू और लाइक यानी टेंस का परिवर्तन। तो देखिए पहला जो परिवर्तन यू है, यहाँ देखिए आई हो गया, और जहां दिस था वहां देखिए दैट हो गया, और जहां डू लाइक है प्रेजेंट इंडिफिनिट, लाइक पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो तीन परिवर्तन हुआ, पर्सनल चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, टेंस आपका बदल गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए आई था तो यहाँ ही बदला, और यहाँ दिस था तो ये आपका दैट बदला, यहाँ आई एम रीडिंग है तो ये वाज रीडिंग हुआ। इस तरीके से
तीन परिवर्तन आपका दोनों उदाहरणों में मिला, तो ये बात प्रूव हो जाता है कि अगर असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस में तीनों परिवर्तन चल रहे हैं तो निश्चित बात है कि आपका इंट्रोगेटिव में भी यही तीनों परिवर्तन है। इसका मतलब है तीसरा जो आपका इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटिव, सब में परिवर्तन चलेंगे। इसीलिए तो इसका नाम कॉमन रूल है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कॉमन रूल और स्पेशल रूल में क्या अंतर है, कॉमन रूल वे रूल है जो हर जगह लागू होंगे और स्पेशल रूल वो है जो किसी विशेष स्टेटमेंट के लिए या विशेष प्रकार के वाक्य है तो उसके लिए एक विशेष नियम लगते हैं, तो विशेष नियम भी लगेंगे, वो आगे समझाया जाएगा। लेकिन कॉमन रूल्स का केवल मतलब यही है कि जो हर जगह लागू हो, और यही चीज हमको प्रूव करना था। तो इस वीडियो में तो आपने देखा कि कितने आसानी से ये बात समझ में आ गया होगा कि जो कॉमन रूल्स हैं ये तीन प्रकार के, मेनली मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं और जिनका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हो सकता है। तो अब हम आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा वह एक एक करके कि जैसे असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, फिर आपका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव कैसे बनाते हैं, पॉइंट वाइज एक एक करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। लेकिन एक चीज यह भी समझना है कि सबसे पहले जो कॉमन रूल्स हैं, ये जो पर्सनल चेंजिंग है, वर्ड चेंजिंग है, टेंस चेंजिंग है, ये सबसे पहले मैं प्रूव करूंगा असर्टिव सेंटेंस में कि कैसे असर्टिव सेंटेंस में ये सारे नियम लागू हो रहे हैं। तो बेसिकली एक बार मैं और शॉर्ट रिवीजन कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि जैसे जो कॉमन रूल्स है ये सभी प्रकार के सेंटेंसेज में लागू होंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसमें आपका पर्सनल चेंजिंग, जैसा कि कॉमन रूल तीन तरह के हैं, पर्सनल चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग और टेंस चेंजिंग, तो इनका प्रयोग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बदलना बताएंगे तो इसको जो कॉमन रूल्स हैं उसमें दिखाएंगे कि कैसे बदल रहा है, कॉमन रूल्स का प्रयोग वहां पर बताया जाएगा। और जैसे ही आप इस कॉमन रूल्स का प्रयोग इसमें सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंट्रोगेटिव में भी पता चल जाएगा और इंपरेटिव में भी, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, हर प्रकार के सेंटेंसेज में ये मालूम हो जाएगा कि कॉमन रूल्स सचमुच में कॉमन रूल्स हैं जो हर जगह लागू होते हैं। तो दैट वॉज माई एम। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।